कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा तिसंगो कविकर्मणि। गौरव सर वह हमारे बीच में नहीं रहे। What? आज सुबह उनका गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। समझ में नहीं आ रहा ये रोहन फोन क्यों नहीं उठा रहा है। इनके लिए बॉम्ब डिफ्यूज करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक चाबी बनाने वाला ताले को देख के चाबी बना देता ना। नहीं खरा बोलते सर। सर बॉम्ब का धमाका बहुत पावरफुल था जिसकी वजह से केबिन के अंदर की सारी एनर्जी केबिन के बाहर चली गई और केबिन में वैक्यूम क्रिएट हो गया। पर अब लीजा को कैसे समझाओगे? बॉम्ब काम कैसे करता है और इसे डिफ्यूज कैसे किया जाता है ये हम जान गए। I'm from Crime Branch. आइए मैडम बैठिए। कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? एक जानकारी चाहिए। ये प्रीपेड नंबर आप ही की दुकान से बेचा गया है? एक मिनट मैम, मैं चेक करके बताता हूँ। ये नंबर आज से 4 दिन पहले यहाँ से सेल हुआ है। क्या बता सकते हैं इसका खरीदार कौन है? अब मैडम ये बताना तो बड़ा मुश्किल है, ना जाने कितने कस्टमर यहाँ आते हैं। मैडम मैं आपकी एक मदद कर सकता हूँ। हमारे स्टोर रूम में कुछ कैमरास लगे हुए हैं जो हर आने जाने वाले की रिकॉर्डिंग करते हैं। 29 दिसंबर यानी के 4 दिन पहले जो रिकॉर्डिंग हुई होगी उसकी टेप मैं आपको दे सकता हूँ। सर पुलिस ने सारा स्क्रैप बम स्क्वाड की मदद से अपनी कस्टडी में ले लिया। सारे कंटेनर खुले हुए थे या सिर्फ एक कंटेनर खुला? सर सभी कंटेनर से सील खुली हुई थी। सर हमें पता चल गया है कि प्रीपेड कार्ड किसने खरीदा था, उसका चेहरा इस टेप में है। अब हमें पता चल जाएगा कि रोहन का कातिल कौन था। गुड पूजा, तुम एक काम करो कि इस टेप में देख के पता करो कि इस प्रीपेड कार्ड खरीदने वाले का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं। राइट सर। निखिल। यस सर। रोहन के अपार्टमेंट में काम करने वाले वॉचमैन को बुलाओ। देखो रोहन को मारने की धमकी देते वक्त वहां पर 4-5 लोग मौजूद थे, जरा ध्यान से देखो इनमें से कोई है?
ध्यान से पहचानने की कोशिश करो। नहीं, उनमें से कोई नहीं। सर, टेप में दिखाई देने वाला आदमी गणपत है। वो 4-5 बार जेल भी जा चुका है और आजकल सी रोड पर हफ्ता वसूल कर रहा है। एक काम करो पूजा, इसको गणपत के साथ काम करने वाले 4-5 लोगों के फोटो दिखा। देखो, इन तस्वीरों को गौर से देखो और पहचानने की कोशिश करो, क्या इनमें से वो है? ये ये साहब, यही है जो कार में बैठा था जिसने मारने की धमकी दी थी। सर, क्या ये वही अब्दुल है जो आर्म्स में डील करता है? लेकिन अब ये हमारे हाथ आएगा। अपने तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या मैं। लाव साहब। चला, गाड़ी को हाथ मत लगा। अरे साहब, कितनी देर से साफ करे, देखो चमचमा रही गाड़ी। सर साहब, इतनी देर जाता है क्या? नहीं साहब, पढ़ा लिखा इंसान हूँ साहब, मैं मजबूरी में साफ सफाई कर रहा हूँ साहब, कुछ तो दे जाओ। अरे सतीश टुल्ली से पंगा, बाय सर। तो जैसे तैसे। सब ठीक है ना? तूने तो बोला तूने पॉकेट मारी का धंधा छोड़ दिया। अब माफ कर दो, आखिरी बार, इसके बाद बिल्कुल नहीं करूंगा, कसम से नहीं करूंगा। गुनाह किया है, सजा तो मिलेगी। अगर तू सजा से बचना चाहता है तो मुझे बता अब्दुल सत्तार कहाँ है। सर जी आहिस्ता बोलिए, उसके चमचे चारों हो रहे हैं। मुझे किसी की परवाह नहीं। अरे मुझे तो परवाह है, अगर किसी ने सुन लिया मेरी बचा देंगे। अब्दुल सत्तार कहाँ है? साहब क्या ना कि कल रात जो है उसके छोकरे लोग नशे में ये बोल रहे थे कि आज रात वो टोकरी वाले गोदाम में वो किसी को माल पहुंचाने वाला है। तेरी खबर पक्की है? अरे साहब बिल्कुल पक्की है, बिल्कुल। वैसे देखो, ये ऑपरेशन में बहुत ध्यान से करना है। अब्दुल किसी भी कीमत पर यहां से बचकर जाना नहीं चाहिए। काम वाम कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है। नहीं, वो जो मैंने तेरे को बोला था ना कि फोटो देख के गया, उसका काम वाम जल्दी हो जाएगा। जल्दी कर तो क्या, देख पैसे का पहले बंदोबस्त कर ले। नहीं, मेरे को एडवांस दे दिया ला है, तो उसका काम हो जाना चाहिए। सही बात, टाइम पे नहीं हुआ ना उसका काम, हो जाएगा। बहुत बड़ा आदमी है। अच्छा, तो कुछ भी हो सकता है। पैसे का तो तेरे बोला ना कि एडवांस हो गया, तो काम हो जाएगा। अरे वो मोटे आवाज, हाँ
You are under arrest. Anyway, Merry Christmas. Nice shirt. क्या रिंग तो मैंने उसे पहना ली सर, मुझे छोड़ दीजिए। मैंने कुछ नहीं किया सर, कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दीजिए। कैसे हो अब्दुल? सर मैं सच कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया। तुम तो इस इंटरोगेशन सेल में पहली बार आ रहे होगे ना? सर उठाई गिरी या पॉकेट मारी का जो भी धंधा तुम करते हो उसमें यहां आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। साल 6 महीने की सजा होती, बाहर की बार अंदर चले जाते हो और अंदर से वापस बाहर पहुंच जाते हो। लेकिन अभी तुम लंबे जाओगे। जहां तक मेरा तजुर्बा कहता है तकरीबन 20 बरस 25 बरस। सर मैं सच कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं कहां कह रहा हूं कि तुमने कुछ किया? जो किया है वो हमने किया है, जो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं, और जो करेंगे वो हम करेंगे। 2 बच्चे हैं ना तुम्हारे, एक लड़का एक लड़की। क्या उम्र बच्चे की? यही 7 साल की। सर बहुत प्यार करते हो तुम उससे, तुम्हारी यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं जानता हूं क्योंकि तुम अपनी फैमिली से बहुत अटैच्ड हो, बहुत मोहब्बत करते हो, इसलिए ये छोटा मोटा क्राइम जैसे उठाई गिरी या पॉकेट मारी ये तुम करते हो उनका पेट पालने के लिए, बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, है ना? लेकिन जब तुम बाहर आओगे तो लड़की तकरीबन 30-32 बरस की होगी। क्या पता हो भी ना पाए, दोबारा तुम्हें उसको देखने का मौका ही नहीं। बहुत गलत किया सर। सर मैं सच कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया सर। क्यों पड़ गए तुम इस चक्कर में? ढाईगिरी करते रहते, पॉकेट मारी करते रहते, क्या जरूरत थी तुमको रोहन मल्होत्रा को मारने की? सर आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैंने किसी को नहीं मारा सर, मैंने कुछ ही नहीं किया सर। तुम झूठ बोल रहे हो और झूठ बोलने वालों से मुझे सख्त नफरत है। तुम मेरे पास इस बात का पक्का सबूत है कि तुमने रोहन मल्होत्रा का कत्ल किया है। करण यही आदमी है? हाँ सर, यही आया था कुछ लड़कों के साथ। जी सर ये बात सच है, रोहन मल्होत्रा के मना करने के बाद मैं अपने एक छोकरे को लेकर वहां गया था।
हम लोग वहां पहुंचे उससे पहले एक आदमी कंटेनर खोल के बॉम्बे से कुछ निकाल रहा था। हम लोग उस तक पहुंचते उससे कुछ पूछते उससे पहले सिक्योरिटी वाले आ गए और उन्होंने हमें भागते हुए वहां से निकलते हुए देख लिया। बस और मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने किसी को नहीं मारा सर। सच बोल रहा? मैं अपने बच्चों की कसम खा के कह रहा हूं मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मुझे छोड़ दीजिए। तुम उस आदमी को पहचान सकते हो? नहीं सर, उसने अपने चेहरे पर हेलमेट जैसा कुछ पहना हुआ था। हाँ, उसके बाल और उसकी मूंछें सफेद थी। सर जी, यस सर, मैं पहुंचता हूं सर। शुक्रिया अब्दुल। गौरव ये देखो, आज के हर अखबार में तुम्हारी तारीफ है। दोपहर को स्क्रैप में बॉम्ब्स को तुमने पकड़वाए और रात को अब्दुल को धर दबोचा। तुम्हारे इस कार्यवाही पे पुलिस डिपार्टमेंट फक्र करता है। तुम्हारा नाम मैं अवार्ड के लिए रिकमेंड करूंगा। गौरव, तुम्हें नहीं लगता कि हमें सेलिब्रेट करना चाहिए? लेकिन मैं सेलिब्रेट नहीं करना चाहता सर। क्यों? क्योंकि मैंने अपना सबसे प्यारा दोस्त खोया है सर। मुंबई पुलिस ने अपना सबसे काबिल ऑफिसर खोया है सर। ये ठीक है कि कल रात अब्दुल पकड़ा गया, लेकिन वो फोटो सेल के बारे में नहीं जानता तो वो बॉम्ब क्या बनाएगा सर? और अगर उसे मारना ही होता रोहन को तो वो गोली से मारता। सर, जब तक ये बॉम्ब बनाने वाला अपराधी पकड़ा नहीं जाता तब तक मैं किसी भी अवार्ड का हकदार नहीं हूं। तुम जरूर कामयाब होगे। आई एम प्राउड ऑफ यू सर। सर क्या मैं जा सकता हूं? मेरे पास सिर्फ 18 घंटे बचे हैं। ठीक है, आई गिव यू ऑल द पावर्स। किसी भी हालत में क्रिमिनल पकड़ा जाना चाहिए। ओके, थैंक यू सर। अरे गौरव गंभीर, जल्दी आइए। सर कांग्रेचुलेशन, आपने स्क्रैप का इतना बड़ा रैकेट पकड़ा, क्या बताएंगे आपने कैसे पकड़ा? थोड़ा अभी धीरज रखिए, छानबीन जारी है। सर, अब्दुल सत्तार ने क्या कहा? पूछताछ कर रहा हूँ। अब्दुल ने रोहन मल्होत्रा को क्यों मारा? अब्दुल ने नहीं मारा। रोहन मल्होत्रा को बम से मारने वाला अपराधी कब तक पकड़ा जाएगा सर? बहुत जल्द, हमने उसे ढूंढ लिया है। क्या आप उस अपराधी का नाम बता सकते हैं? थोड़ा धैर्य रखें, 18 घंटे के अंदर वो सलाखों के पीछे होगा, तब आप उसकी पूरी जन्म कुंडली को जान जाएंगे। बताइए। सर, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि हम अपराधी के बारे में कुछ नहीं जानते, उसके बावजूद आपने मीडिया में यह बयान दिया कि हम उसे 18 घंटे में पकड़ लेंगे। क्या है निखिल, अगर हम अपराधी तक नहीं पहुंच सकते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपराधी हम तक पहुंचे। मैंने ये जो बयान दिया है उससे वो उत्तेजित होगा और गलती करेगा, और मैं चाहता हूं कि वो गलती करे। हेलो, हाँ, गुड, लो, वो हम तक पहुंच गया। सर, सर बॉम्ब स्क्वाड वाले अंदर पहुंच चुके हैं। हाँ, विक्टिम? सर, विक्टिम एक बिल्डर है। सर, बॉम्ब लगाने वाले ने 2 घंटे का वक्त दिया था और अब सिर्फ आधा घंटा बाकी है, और सारा ऑपरेशन मॉनिटर किया जा रहा है सर, वैन में मॉनिटर है। अच्छा, ध्यान रखना कुलकर्णी के 500 मीटर के दायरे में कोई ना आए। जी सर, आओ। अना, आर यू एबल टू हियर मी? यस सर। अना,
मिस्टर दयाल को बोलो को बिल्कुल ना हिले, उन्हें हिम्मत दिलाओ। जी सर। देखिए आप बिल्कुल भी मत हिलिए, आपको कुछ नहीं होगा। ओके सर, अब मैं बॉम्ब को डिफ्यूज करने जा रही हूं। यस, गो अहेड। समंदर की रेत गिर रही है सर, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। Somebody... तुम रुको, मैं अभी आता हूँ, वहीं रुकना। Yes, sir. क्या हुआ है ना? सर ये बॉम्ब डमी है, इसमें सिर्फ रेत है। उसने यहां कहीं दूसरा बम जरूर रखा होगा। मिस्टर दयाल, आपके इस हॉल में ऐसी कोई चीज है जो पहले मौजूद ना हो और अभी हो? नहीं सर, सब कुछ वैसी की वैसी है। वो काला वायर लैंप का ही? हाँ जी, सीखा है सर। नो प्रॉब्लम मिस्टर दयाल, चिंता मत कीजिए। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि अभी भी 15 मिनट बाकी हैं, है ना? कमा कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस एरिया को खाली कर दी। ओके ओके क्विक। अच्छी साइकिल। ये बॉक्स आपका है? ये मेरा नहीं है। किसने दिया आपको ये? एक आदमी रख कर गया, उसने कहा ये बॉक्स उसे देना, वो ऑफिसर मूंगफली खाता है। अच्छा, उस आदमी की मूंछें और बाल सफेद थे? हाँ। बेटा, मैं ही वो ऑफिसर हूं जो मूंगफली खाता है। थैंक यू बेटा, आप बहुत धीरे से साइकिल छोड़िए। वेरी गुड, मैं ही वो अंकल हूं बेटा जो मूंगफली खाता है। हवलदार,
चल हमारे दोस्त को ले जाके आइसक्रीम खिलाओ। आप जाइए, हम आपकी साइकिल आपके पास पहुंचाते हैं। हमारे पास वक्त बहुत कम है, तुम्हें जल्दी से जल्दी इस बम को डिफ्यूज करना होगा। यू डोंट वरी सर, आई विल हैंडल इट। केयरफुल सर, प्लीज। श्योर, मूव। खत्म होने में सिर्फ 30 सेकंड बाकी हैं। सर, फ्रीक्वेंसी मीटर के साथ में एक्सप्लोसिव का कनेक्शन जुड़ा हुआ है। निखिल, फोन रिसीव मत करना, बम फटेगा। है ना, फ्रीक्वेंसी मीटर बंद होने से पहले उस रेड वायर को काटो। चाहे कितने खुश हों लेकिन हमें खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त टारगेट हम ही थे, वो हमें मारना चाहता था। Come on, let's move. यह है तीसरा बॉम्ब। पहला बॉम्ब एक्सटॉर्शन के लिए था, जिसमें रोहन और विल्सन मारे गए। दूसरा बॉम्ब सिर्फ दिखावे का था, एक ट्रैप था हमें फंसाने के लिए, ताकि उस बॉम्ब को डिफ्यूज करने की कार्रवाई में हम 500 मीटर के घेरे में आ जाए और तभी ये तीसरा बम फटे और हम सब मारे जाए। वो हमें मारना चाहता है। उस दिन मीडिया में मेरे दिए गए बयान से उसे डर लग गया होगा कि कहीं हम उसे पकड़ ना लें, उस तक पहुंच ना जाए। लेकिन उसने गलती की। अब ये तीसरा बम हमारे पास सबूत के तौर पर मौजूद है। ध्यान से देखो इसके सर्किट को, गौर से देखो, इस पर उसके सिग्नेचर है, उसका नाम खुदा हुआ है, यहीं से हमें उसे पहचानना है। लेकिन सर, हम उस सिग्नेचर को पहचानेंगे कैसे? ऐसा ही एक दूसरा बॉम्ब बनाकर। सिग्नेचर मिल गई। देखो ये फ्यूज जो बाजार में नहीं मिलता, बम के सारे पुर्जे बाजार में मिल जाएंगे पर ये फ्यूज नहीं मिलेगा। अगर ये मिल सकता है तो दूसरे बम से ही मिल सकता है। तब सोचना ये कि उस आदमी को ये फ्यूज कहां से मिला होगा। शायद किसी बम से निकाला हो। राइट, फिर बम कहां से मिला हो? अब्दुल ने कहा कि उसने किसी आदमी को बॉम्ब से कुछ निकालते हुए देखा, तो वो आदमी ही अपराधी होगा जिसने बॉम्ब से फ्यूज निकाला। करेक्ट, ये आदमी बहुत जीनियस होगा जूलिया। जो आदमी स्क्रैप के बम को डिफ्यूज करके फ्यूज निकाल सकता है और फिर उसका इस्तेमाल दूसरे बम को बनाने के लिए कर सकता है,
और ये काम वही आदमी कर सकता है जिसने बॉम्ब स्क्वाड में बॉम्ब बनाने की तालीम ली हो, उसको डिफ्यूज करने की तालीम ली हो, यानी ये आदमी ट्रेंड स्पेशलिस्ट। अब ये सिग्नेचर इसकी दूसरी बात बताता है कि ये आदमी लेफ्टी होगा। सर ये आप कैसे कह सकते हैं? जब मैंने तुम लोगों को ऐसा ही दूसरा बम बनाने के लिए कहा था तो तुम लोगों ने इसके वायर्स के जितने भी कनेक्शन किए सब क्लॉकवाइज है। क्यों? क्योंकि तुम दाएं हाथ से काम करते हो और तुम भी चूलिया ऐसे, राइट? अब इस बम के सारे वायर कनेक्शन थे ये सब एंटी क्लॉकवाइज है, यानी इस तरह ऐसे। तो ये बात साबित करती है कि ये आदमी जो है ये लेफ्टी है। तो अब हमें पता ये करना है कि बॉम्ब स्क्वाड ने जब से इन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बॉम्ब्स को डिफ्यूज करना सिखाना शुरू किया है तब से लेके आज तक ऐसा कौन सा ऑफिसर है जो लेफ्टी है। सर ये तीन लोग थे जो लेफ्ट हैंडर, ऑफिसर मंजूरी जिनका 4 साल पहले देहांत हो चुका है, ऑफिसर सुरवे जिन्हें पैरालिसिस है, और ऑफिसर कुमार आर जिन्होंने रिजाइन कर दिया है। जरा ये देखो कि इन्होंने रिजाइन कब किया था, किस ईयर? सर 1994 में, जब उन्हें बॉम्ब स्क्वाड के लिए सिलेक्ट नहीं किया गया। hmm. 1994 ये वही साल है जब विल्सन को बॉम्ब स्क्वाड का लीडर बनाया गया था, यानी कुमार आर विल्सन बैचमेट हुए। जूलिया हमें लीजा से तुरंत मिलना होगा। ये लो गौरव, यही वो फाइल है। इस फाइल में उन सब लोगों के नाम है जिन्होंने विल्सन के साथ 1994 में बॉम्ब स्क्वाड में ट्रेनिंग लिया था, और इसमें क्रू फोटोग्राफ भी है, और उन तीन लोगों के नाम भी जिन्हें बॉम्ब स्क्वाड की लीडरशिप के लिए चुना गया था। मेरे ख्याल से तीसरे पन्ने पे होगा। जी कहिए सर। सबसे पहले तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है, क्योंकि बॉम्ब स्क्वाड के हेड के लिए तुमने मेरी जगह विल्सन का नाम सजेस्ट किया, वरना बॉम्ब डिफ्यूज करते हुए मैं भी विल्सन की तरह मारा जाता। बेहतर होता रुकी कि तुम विल्सन की तरह मारे जाते हैं, क्योंकि एक देशद्रोही होकर जिंदा रहने से कहीं बहुत अच्छा है एक देशभक्त होकर मर जाना। अरे नफरत है मुझे तुम्हारे इस देश और देशभक्ति से। क्या दिया तुम्हारे इस देश ने तुम्हें? हाँ, अपना और अपने परिवार का पेट तो तुम लोग ठीक से पाल नहीं सकते। एक नाली के कीड़े की तरह तुम लोग रेंगते रहते हो, लेकिन तुम
बहादुर हो और अकलमंद भी हो, और मैं तुम्हें शुरू से पसंद भी करता रहा हूं। चलो मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूं। कितनी पगार है तुम्हारी? 14,000। चलो तुम मेरे साथ आ जाओ, तुम 14,000 नहीं, 14 लाख भी नहीं, 14 करोड़ कमाओगे। तुम्हारी इस बेईमानी की बादान से अच्छी अपनी ईमानदारी की मूंगफली लोगे, लेकिन ध्यान रखना, बेईमान आदमी इस ईमानदारी की मूंगफली को पचा नहीं सकता, बहुत मुश्किल होती। मैं तुम्हें एक जिम्मेदार ऑफिसर विल्सन की हत्या के जुर्म में, एक्सटॉर्शन के जुर्म में और देश विरोधी गतिविधियों के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं, रुके। अरे तुम मुझे क्या पकड़ोगे? मैंने तुम्हें पकड़ लिया है रुके, और ये मेरा वादा है तुमसे कि मैं तुम्हें जिंदा पकड़ूंगा। गौरव, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया ना, तो तुम ये बॉम्ब देख रहे हो, मैं इसका ये पिन खींच दूंगा। मैं तो मरूंगा ही मरूंगा, साथ में तुम्हें भी ले जाऊंगा। पंख फैलाए हुए मोर बहुत देखे हैं, घन पे छाए हुए घनघोर बहुत देखे हैं, नाला कहता है समंदर से उमड़ना सीखो, हमने बरसात के ये शोर बहुत देखे हैं। मेरा नाम गौरव गंभीर है रुकी, जो कहा कहा सो किया किया। मैंने तुझसे कहा था कि मैं तुझे जिंदा 48 घंटे में पकड़ दूंगा। देख, 48 घंटे खत्म होने में अभी पूरे 5 घंटे बाकी हैं। विल्सन जैसे देशभक्त मरने के बाद भी सदियों तक जिंदा रहते हैं, लेकिन तेरे जैसा देशद्रोही गद्दार जिंदा तो रहता है, लेकिन हर पल एक नई मौत मरता है। खुश नसीब है तू कि मेरे हाथ कानून से बंधे हैं, वरना मैं मेरे दोस्त विल्सन की हत्या के जुर्म में तुझे जिंदा चीर के दो टुकड़ों में बांट देता। जाओ से।